अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अहमद और वेलकम टू मेरे अदर व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग है मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था। मैंने शायद मेरे से गिर गया था या पता नहीं क्या हुआ था, शायद मैंने मार दिया था कहीं, तो फिर उसका बैटरी ख़राब हो गया, फिर मैंने चेंज करवाया। तो आज मैंने काफ़ी तकरीबन 10-12 दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज का व्लॉग भी मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि कहीं बाहर जाएँ, लेकिन कॉलेज फिर सैंडअप्स हो रहे थे, सैंडअप ख़त्म हुए, तो आज दोस्त की कॉल है, कहता हो यार कहीं बाहर चले फ़ोटोज़ ले लेते हैं, और मैंने कहा चलो एक साथ व्लॉग भी बन जाएगा। तो आज चलते हैं, अभी दोस्त बाहर आया हुआ है, शायद आ रहा है, वही पता नहीं है मुझे, तो उसका मैसेज आया लेकिन मैंने कहा पहले मैं शॉर्ट रिकॉर्ड कर लूँ। तो अभी चलते हैं और उसके साथ, और अभी मुझे भी नहीं पता बल्कि जाना कहाँ है, अभी डिसाइड करना हमने मिलके। तो चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाता हूँ मैं और मेरे दोस्त, तो आप भी साथ ही रहिएगा, मिलते हैं वहाँ जाके और रस्ते। फाइनली दिल्ली गेट के सामने कहाँ गया, दिल्ली गेट ही छुप गया, पीछे हो जाए यार, कल यार यहाँ पे इतना रश है ना, मतलब वो सामने से ज़्यादा होगा। दिल्ली गेट तो पहुँच गया लेकिन यार यहाँ पे इस कदर रश है ना, मतलब आज शायद मंडे है तो उस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। तो आप अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं कि अंदर, मतलब अंदर कैसा रश होता है। सुना था अंदर जा रहे हैं, मेरा साथी आ जाना भी। पहले मैंने इसे कहा शायद अंदर जाने की, मैंने इसे कहा ये ना हो हम वहाँ जाएं, और पता चले कि यार अंदर जाने की टिकट है, फिर हम क्या करेंगे, कहता नहीं यार नहीं होती टिकट। तो यार ये नाव स्टार्ट हो गया दिल्ली गेट, यार रश बाकी बहुत है, आप यहाँ पे बाजार लेनी है चिड़िया। ये अंकल क्या कह रहे हैं यार यहाँ पे बाजार, एक मस्जिद भी थी ना यहाँ पे, वो काम है हमारे साथ ना, हमारे एक दोस्त ने भी आना था अहमद, लेकिन उसकी मामा ने उसे अकेडमी भेज दिया, तो हम उसका फ़ोन लेके आ गए। उसका एक फ़ोन था जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, शॉर्ट में तस्वीरें लेते हैं। आज मैं सबको बता रहा था यार दिल्ली गेट जाना है ना, मैं मतलब सब पूछ रहा था टाइम मुझे कि तुम आ क्या करने जा रहा है यार, मैं चढ़ने नहीं जा रहा हूँ, व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, खुद ही कहते हैं तू व्लॉग नहीं बना रहा, और अब जब बनाने जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं तू आ क्या करने जा रहा है। हमने किराया बड़ी मुश्किल से मांगे हैं माँ पापा से, तो देता ही नहीं। और ये शायद वो मस्जिद है जिसका मुझे खाला ने बताया था, मैं कहूँ कौन सी मस्जिद यार, मुझे समझ नहीं आ रही है, ये वो मस्जिद है तो नाम इसका मैं पढ़ने की कोशिश की है लेकिन ना इसका नाम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ भाई उर्दू बड़ी कमज़ोर है ना, इसलिए नाम पढ़ने नहीं आते उर्दू में। तो यार ये यहाँ पे सामने चूड़ियों वाली दुकान है, ये डस्टबिन यूज़ में लिखा होता है, यूज़ फिर कोई इसी नहीं करता जी। और ये यहाँ पे भाई जो अपनी तस्वीरों में लगे हुए हैं, भाई इनकी वीडियोस बनाते रहो, कल भी इसने मेरे साथ किया, अपनी बनवाता रहा और मेरी बार यही कहता बस कर, बस 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 यही होता है मेरी बात में। अब और बता कुछ खाना भी ना यहाँ से, मैं तस्वीरें फोटोशूट कर लें, चल तू वहाँ बैठेगा, अब ये मेरे से बनवाई जाएगा अपनी, जब मेरी बारी आएगी ना यार चल आगे चलते हैं, दे रहा हो कैसे करेगा। और तीसरा बंदा भी नहीं, इसने कल लाइट पकड़ी थी, आज कौन बनाए लाइट पकड़ेगा, नहीं जरूरत लाइट, क्यों नहीं जरूरत यार, चल यार तू पकड़ी मेरी भी लाइट, अरे भैया वो पढ़ के दिखा दे, मैं तुझे मान जूंगा, मस्जिद का नाम पढ़ के दिखा। अफजल होगा यार क्या भाई, कैसे मुसलमान है इनको नाम भी नहीं पता है, मेरा शूट कर रहे हैं इसने ना वो जगह, वो घंटे बाद वो जगह छोड़ी है, अभी हम ये सीढ़ियों में ले आया, पता नहीं सीढ़ियों में क्या है, मैं ऐसे कह रहा हूँ इतनी जगह है लेकिन यहीं पर अटका हुआ है। अब आ जा वहाँ से। तो नबील का शूट ख़त्म हो गया और मेरा भी, मैं अकेले का तो कहूँगा नहीं, लेकिन ना इससे मेरी कोई भी नहीं ली, मेरी एक भी नहीं, अब कह रहे हैं मेरी एक भी नहीं यार। अंकल से ना हमने गली का पूछा लेकिन ना वो गली यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है, पतली सी एक गली थी उसमें ना, मतलब इस तरह की चीज़ें थी जहाँ पे ना फोटो तस्वीर, लेकिन यहाँ पे वो गली नहीं मिली, हम गली ढूंढ ढूंढ के पागल हुए हैं। काम यार
आज कहाँ जा रहा है? अच्छा यहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे जही जा रहे हैं बस जही जा रहे हैं। पूछते किसे पूछते हैं यार, खुद ही ढूंढ लेते हैं। मस्जिद भी खुद ही ढूंढी थी ना। अच्छा मस्जिद भी खुद ही ढूंढी थी, अब गली भी खुद ही ढूंढी। आज एक नबील यहाँ पे ले आई यार, यहाँ पे लिटरली इतना रश है ना, और आगे आप देख ही सकते हैं। सो यू नो यू आर नॉट अ फ्लाई। हां हेलो गाइस, ये यहाँ पे इस जगह पे अपने भाई के लिए भाभी ढूंढ रहा है। ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन की क्या ही जरूरत है। अच्छा तेरी भी मैं भी ढूंढता हूँ, तेरी भी मैं ढूंढता हूँ। प्यारे भाई चाय कॉफी, प्यारे भाई यार मैं तो यही दुल्हन के लिए फ्रॉक। कहाँ पे यहाँ पे फ्रॉक ही नहीं, फ्रॉक कहाँ है? कहाँ पे यार ये कह रहे थे यार, ये हम तेरी दुल्हन के लिए कह रहे हैं, मेरी शादी की शॉपिंग यहाँ से करनी है। साड़ी यानी वो पीछे थी, आगे कोई साड़ी वाड़ी नहीं यार। वहाँ पे जो चीज़ ढूंढ रहे हैं ना, जो गली पर मिल नहीं रही। कहाँ पे पाए गए हैं आगे रश ही पड़ा ऐसे कर करके ना कैंपस में। मेरी कजन यहाँ से देखते ही तेरे लिए लेंगे। शर्ट बनवाते हैं यहाँ से। ये नबील कह रहा था मैं यूनिक लगूंगा अपनी बारात से, ये पहन। अपनी अपनी बारी आती है ना, बस कर दे। तेरी फोटो मेरी देख यार, मेरी फोटो भाई, मैंने इसकी इतनी कमाल के लिए है ना फोटोज। और ये और ये मेरी गर्म मैंने भी खाएगा यार। यहाँ पर भी सही ठंड है, जगह बंद बंद लेकिन ठंड बहुत है। नबील तेरी मेहंदी के लिए कपड़े कैंडी यार। अच्छा आज ना ये कलर ही ऐसा पहन के आया है, कहीं ना इसकी पिक्चर लेते हो ना कलर स्प्लिट हो जाता है, तो इसे मेरी क्यों गलती नहीं है पता। वाइट एंड ब्लैक कौन सा यार, तू पेंट देख के पेंट ना शाइन करती है वो, फिर कलर फैलने लग जाता है। कहता है भाई फोटोग्राफर अच्छा होना चाहिए भाई, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए। कैमरा अच्छा है, 11 है। 11 मैं देखो 14 से वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता नहीं भाई। रश पड़ा है, जाना कहाँ है आगे? जय जा रहा है, जय जा रहा है। नबील ने अपना कैमरा मैन बदलते हुए मुझे धोखा दे दिया। नबील और नबील याद रखी, याद रखी। तो यार जो ये दिल्ली दरवाजा है कि दिल्ली गेट है दोनों? अच्छा बाजार का नाम दिल्ली दरवाजा है और है जो ये दिल्ली गेट है पुराना लाहौर। तो यार वो सामने मैं मस्जिद के बैठा हुआ हूँ, वो मस्जिद है, और ये मेरे पीछे जो है ये शायद कोई जेल है, अहमद के लिए जेल है, नबील के लिए जेल बनवाई है। भाई तू बच जरा, जाना तुझे मेरे साथ ही है। तो यार बाज़ार में बहुत रश था, इसे लेट आए थे कि क्या पता रश कम हो, लेकिन जैसे जैसे दोपहर से शाम होती जा रही थी रश बढ़ता जा रहा था। हमें तो पहले वो बैठक ही नहीं मिली उस्मान की जो थी, फिर एक मोटा लड़का मिला हमें, प्यारा क्यूट सा बच्चा था। तो नबील ने उसके साथ अपनी कंपनी बना ली, मैं पीछे, मैंने कहा चलो भाई अल्लाह, फिर बाद में मेरे पीछे है जब हो गया, उसके साथ जाना था ना उसके घर। तो अब सीन कुछ ये है कि अब घर चलते हैं, 7 के करीब टाइम हो गया, माँ भी बोलेंगी कि कहाँ गया था। तो अब घर चलते हैं। तो आज नबील कह रहा है तेरा व्लॉग मैं एडिट करूँगा, इसमें बीच में अपने पंगे शंगे करने होने ना, समझ गया हूँ भाई तुझे मैं। तो अब चलते हैं घर, रास्ते की वीडियो दिखाता हूँ कि हम कैसे घर गए, रिक्शे में घर जाना है यार, ही रिक्शे में बैठे। तो अब घर चलते हैं नबील के, और ये व्लॉग एडिट करता है, उसके बाद मैं अपने घर जाता हूँ। तो नबील के घर जाके वो व्लॉग एंड करेंगे, अभी चलते हैं। चले चल चल यार, रश तो बड़ा ज़्यादा था। अब हम जा रहे हैं घर, इससे पहले मामा का फ़ोन है, वो जूतियाँ माने फ़ोन पे, इससे पहले अब घर चलते हैं। नबील पहले पहले जा रहा है। व्लॉग तो मैं घर आ गया था, उसके बाद नबील के घर से। तो मैं घर आया तो देखो मेरी बहनों ने मेरे लिए इतना कुछ मंगवा के रखा था, ऐसी बहनें भी किस्मत वालों को मिलती हैं। अभी मैं सारे खाऊंगा बैठ के, वहाँ मैं कुछ वीडियो एडिट करूँगा बैठ के, साथ साथ खाऊंगा।
कैन से सुबह से गए थे, थक गए हो गए। मैंने कहा चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नूडल्स उसने उसके चुराया, वो मुझे कह रही थी, मैंने कहा मेरे पास कोई नूडल्स नहीं है तेरे, चोर बहन की चीज चुरा लेती है। बाद में वो मेरे पीछे पड़ी होती है, मेरे नूडल्स कहाँ हैं। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।